कि हमारी हौसला अफजाई करें, हमसे मुखातिब हों, हमें संबोधित करें। जिन नौजवानों से मुझे बात करने का मौका मिला आज, आप सभी का आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति आपकी जो एक पॉजिटिविटी जो मुझे अनुभव आई, मेरे लिए भी उत्साहजनक है, मेरी ऊर्जा बढ़ाने वाली है। तो मैं सबसे पहले तो इन प्रश्नकर्ता और इस कार्यक्रम में शरीक देश भर के नौजवानों का आभार व्यक्त करता हूं। देश भर से जो साथी जुड़े हैं उनको मैं फिर बता दूं, यहां पर श्रीनगर में तापमान काफी नीचे है, हो सकता है रात होते होते माइनस हो जाएगा। इसके बावजूद भारी संख्या में यहां मेरे युवा साथी अनेक कश्मीरी भाई बहन मौजूद है। ये कश्मीर की स्पिरिट को दिखाता है, कश्मीरियों की भावना को दिखाता है। बौछ वछी वानी तो ही सारिनिय खोस आवय बनान, यस तरी गटकारस मंज छुस ब मोहब्बत का अलाव जालनी अमृत, तही नीच खोशाली वापस छू अबस बेई अकी रटी अव स्वगत हे थामरुत, नव मुतखब कॉरपोरेटन त पंचन त सरपंचन मुखारब, मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान सतपाल मलिक जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों। साथियों, आज जब मैं श्रीनगर आया हूँ तब मैं शहीद नजीर अहमद वाणी सहित उन सैकड़ों वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने शांति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद नजीर अहमद वाणी को उनके इसी अदम्य साहस और वीरता के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है। शहीद वाणी जैसे युवा ही जम्मू कश्मीर और देश के हर नौजवान को देश के लिए जीने और देश के लिए समर्पित होने का रास्ता दिखाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सालों बाद पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव करवाए और अपने नुमाइंदे चुने। लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा नफरत से भरे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कुछ लोगों द्वारा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश के बीच धमकियों से बेपरवाह आप जिस संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं वो आपके अपने बच्चों के भविष्य, जम्मू और कश्मीर के विकास की भावना को और पुख्ता करता है। साथियों, आज मुझे यहां करीब 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स श्रीनगर और आसपास के इलाके के लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद करने वाले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इन परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, जैसे कि आपने देखा, आज श्रीनगर देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक बहुत बड़े कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। आप में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि 4-4.5 वर्ष पहले जितने भी बड़े कार्यक्रम लॉन्च होते थे या फिर केंद्र सरकार कोई योजना शुरू करती थी तो वो सब कुछ दिल्ली के विज्ञान भवन में होता था, लेकिन हमने पुरानी सरकारों की उस कार्य संस्कृति को ही बदल दिया है। हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से की, उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा योजना पश्चिम बंगाल में जाकर के की, हैंडलूम से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान की शुरुआत तमिलनाडु से की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से की, पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान जाकर के की। अब आज
पूरे देश से जुड़े एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हम सभी आज श्रीनगर में मौजूद है और ये देश भर का कार्यक्रम का लॉन्चिंग आज मैं श्रीनगर की धरती से कर रहा हूं। आज यहां राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान यानी रूसा के दूसरे फेज से जुड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यहीं से देश भर में 70 नए मॉडल डिग्री कॉलेज, 11 प्रोफेशनल कॉलेज, 1 महिला यूनिवर्सिटी, 60 से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन और कैरियर हब का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इनमें से अनेक संस्थान यही जम्मू कश्मीर के लिए भी है। साथियों, ये दिखाता है कि न्यू इंडिया किस दिशा में चल रहा है, नए भारत के निर्माण के लिए हमारा रास्ता क्या है। रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स के लिए एक नया टेम्परामेंट देश में विकसित किया जा रहा है। देश भर के स्कूलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैब्स हो, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का हमारा संकल्प आज और सशक्त हो रहा है। इस सशक्तिकरण का गवाह हमारा श्रीनगर बना है, जम्मू कश्मीर बना है। साथियों, ये स्टार्टअप इंडिया अभियान का ही असर है कि आज भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बन गया है। बीते 3-4 वर्षों में 15,000 से अधिक स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं। इनमें से भी लगभग 50% स्टार्टअप टियर 1 टियर 2 शहरों में स्थापित रहे हैं। साथियों, स्टार्टअप के साथ साथ देश के ग्रामीण इलाकों में टेक्नोलॉजी का विस्तार भी हमारी प्राथमिकता में है। आज देश भर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं तो दे ही रहे हैं, लाखों युवाओं को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। आज बांदीपुरा में राज्य का पहला ग्रामीण बीपीओ भी खुल गया है। इससे बांदीपुरा के युवाओं के लिए नए अवसर का द्वार खुला है। भाइयों और बहनों, जितने भी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन आज किया गया है, ये देश के ऐसे जिलों में शुरू किया जा रहा है जो विकास की दौड़ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। रूसा के दूसरे चरण में देश के 450 जिलों में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं। अवसरों की समानता की तरफ एक और बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि इन सभी जिलों के युवाओं को जब अपने घर के पास ही अच्छे संस्थान मिल जाएंगे तो वो अपने टैलेंट को और निखार पाएंगे, अपनी स्किल को और तराश पाएंगे। साथियों, जब मैं न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास की बात करता हूं तो उसके पीछे एक ठोस आधार रहता है। जम्मू कश्मीर की बेटी 9 साल की तजामुल इस्लाम जैसे देश के अनेक साथी हैं जो मुश्किल हालात में भी कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार आप सभी युवा साथियों के उस उत्साह, इस उमंग को और उड़ान देना चाहती है। इसके लिए खेलो इंडिया अभियान के तहत एक बहुत बड़ा टैलेंट हंट कार्यक्रम देश में चल रहा है। छोटे छोटे शहरों, कस्बों में स्पोर्ट्स की बेहतरीन सुविधाएं तैयार की जा रही है। यहां जम्मू कश्मीर के 22 जिलों में भी मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल बनाने की योजना शुरू की गई है। आज भी गांधरबल में ऐसे ही एक इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में बीते 7-8 महीनों में विकास की गति को तेज करने का प्रयास किया गया है। यहां के सामान्य मानवीय का जीवन आसान हो, इसके लिए यहां का प्रशासन जुटा हुआ है। मुझे बताया गया है
कि अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 10-10, 20-20 साल से अटके हुए थे, वो भी अब पूरे कर लिए गए हैं। बीते 2 महीने में सैकड़ों डॉक्टरों की भर्ती हो या बारामूला का पुल हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। मैं जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक को बधाई देता हूं कि आप सभी ने पिछले साल सितंबर में तय समय से पहले ही राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। आप बधाई के पात्र हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर को देश का पहला ऐसा राज्य बनने का लक्ष्य रखा गया है जहां हर गांव गांव तक पाइप से पीने का पानी उपलब्ध होगा। ये बहुत सराहनीय प्रयास है। साथियों, हमारी सरकार में तय समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त करने का ईमानदार प्रयास किया जाता है। आप सभी को याद होगा कि लाल किले से मैंने 1000 दिन के भीतर देश के 18,000 से अधिक उन गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए ऐलान किया जो स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी अंधेरे में गुजारा करते थे। उस लक्ष्य को समय सीमा के भीतर ही पूरा कर लिया गया। इसके बाद सौभाग्य योजना के तहत देश के करोड़ों परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का अभियान चल रहा है। लगभग 2.5 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और बहुत जल्द बाकी घरों को भी रोशन किया जाएगा। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर में भी अब करीब करीब हर परिवार तक बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है। इसके लिए मैं यहां के लोगों को, बिजली विभाग से जुड़े हर कर्मी को, हर इंजीनियर को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं, राज्य सरकार की पूरी टीम को बधाई देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर में हर घर तक बिजली पहुंचाने के साथ साथ पर्याप्त बिजली देने की कोशिश भी की जा रही है। लेह, लद्दाख, कारगिल हो, जम्मू हो या फिर अब श्रीनगर, तीनों जगहों पर आज बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन से जुड़े अनेक बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास एक ही दिन में करने का मुझे मौका मिला है। यहां की बिजली जरूरतों को देखते हुए आजादी के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। हमारी सरकार की कोशिश है कि पहले जो भारत के हक का पानी बेकार में बह जाता था, उसकी एक एक बूंद का उपयोग जम्मू कश्मीर के हित में किया जाए। इसी सोच के साथ अनेक पावर प्रोजेक्ट्स यहां शुरू किए गए हैं। साथियों, ये तमाम प्रोजेक्ट्स देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का परिणाम है। सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य, मूल सुविधाओं के निर्माण में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जम्मू और पुलवामा में बनने वाले 2 एम्स का आज ही शिलान्यास किया गया है। इन दोनों संस्थानों से राज्य के स्वास्थ्य सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथियों, हम आधुनिक अस्पताल तो बना ही रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत, पीएम जय भी चला रहे हैं। देश के इतिहास में इतनी बड़ी हेल्थ केयर स्कीम गरीबों के लिए पहले कभी नहीं बनी है। इस योजना के तहत गरीबों का हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। देश के लगभग 50 करोड़ गरीब बहन भाई इसके दायरे में हैं, जिसमें से 30 लाख लाभार्थी जम्मू कश्मीर के ही हैं।
साथियों, आयुष्मान भारत योजना की वजह से अब तक देश में 10 लाख से अधिक गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। अभी तो इस योजना को 100 दिन अभी अभी पूरे हुए हैं। इतने कम समय में 10 लाख लोगों के मेजर सर्जरी, उनकी मुसीबत के में से एक प्रकार से जो दो दो तीन तीन साल से मौत का इंतजार कर रहे थे, उनको आज एक नई जिंदगी मिली है। इस योजना के तहत एवरेज हर दिन 10,000 से अधिक हमारे गरीब परिवार के भाई बहन मुफ्त इलाज पा रहे हैं, और ये 50 करोड़ लोग, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोगों के लिए हमारी आयुष्मान भारत योजना है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम है। साथियों, आयुष्मान भारत जैसी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का लाभार्थी देश में कहीं भी इस योजना का लाभ ले सकता है। मान लीजिए आप यहां से मुंबई गए और कुछ बीमारी आ गई, आप इस यहां पर अगर रजिस्टर हैं तो मुंबई के अस्पताल में भी आप तुरंत बिना खर्च किए लाभ ले सकते हैं। मुंबई का कोई व्यक्ति यहां श्रीनगर के अंदर घूमने फिरने आया है, कुछ मुसीबत आई, वो यहां फायदा ले सकता है। सरकार सारी व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था बनाई हुई है। संसाधनों की साझेदारी की यही शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। हर मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे के काम आ सके, यही भारत की आत्मा है, यही कश्मीर की भावना है। साथियों, इसी कश्मीरियत की का तकाजा है कि हिंसा के दौर में जिन कश्मीरी पंडित बहन भाइयों को यहां से अपना घर, अपनी जमीन, अपने पूर्वजों की यादों को छोड़कर जाना पड़ा है, उनको पूरे सम्मान से यहां बसाया जाए। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के जरिए हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। राज्य प्रशासन ने वेसू और शेखपुरा में ट्रांजिट आवास बनाने शुरू कर दिए हैं। आज मुझे बांदीपुरा और गांधेरबल में ट्रांजिट आवास की सुविधा का विस्तार करने वाली योजना का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। ये योजना भी प्रधानमंत्री विकास पैकेज का ही हिस्सा है। साथियों, यहां पर करीब 700 फ्लैट बन जाने के बाद विस्थापित परिवारों को नई छत मिलेगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि जो भी यहां वापस आना चाहते हैं उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ यहां जगह मिले। साथियों, कश्मीरी विस्थापितों को रोजगार के अवसर देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। वर्ष 2015 में घोषित पीएम डेवलपमेंट पैकेज के तहत राज्य प्रशासन ने 3,000 नियुक्तियों की स्वीकृति दे दी है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही ये भर्तियां हो जाएगी। साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर के हीरो शहीद नजीर अहमद वाणी, शहीद मोहम्मद औरंगजेब और तजामुल हुसैन जैसे युवा हैं जो शांति और देश के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित रहे हैं। हीरो वही है जो सपने पूरा करने के लिए जीता है। वो सबसे बड़ा कायर है जो दूसरे के सपनों को मारता है। आज पूरा देश निर्दोष नियते कश्मीरी बेटे बेटियों की हत्या होते देखकर आक्रोश में है, सिर्फ इसलिए कि वो नौजवान शांति चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उन्हें आतंकवाद का शिकार बनाया जा रहा है। यही यहां के आतंकवाद की सच्चाई है। मैं आज आपको, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और पूरे देश को यह विश्वास दिलाता हूं, इस आतंक का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा, हर आतंकी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक करके हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि अब भारत की नई नीति और नई रीति क्या होती है। हम जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद की कमर तोड़ करके ही रहेंगे।
जम्मू कश्मीर का विकास, यहां के लोगों का विकास, ये हमारी प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी। मैं एक बार फिर आप सभी को शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जो सपना देखते थे, उन्होंने हमें विरासत में जो काम दिया है, उसमें हम एक पत्ती भर भी पीछे नहीं हटेंगे। उस भावना को हम साकार करके दिखाएंगे। और इसके लिए चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर वैली हो, चाहे जम्मू हो, एक एक नागरिक को साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के, हम वही खुशहाल कश्मीर, शांत कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान को न्योता देने वाला कश्मीर, हरी भरी इस वादियों में खुशहाली के दिन वाला कश्मीर, उस सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक है वो कदम हम उठाएंगे। हमारा हर यहां का परिवार, हमारा यहां का हर बच्चा, उनका उज्जवल भविष्य, यही भारत के उज्जवल भविष्य का जीता जागता संबंध है। उस संबंधों को बरकरार रखते हुए हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए बरसक प्रयास करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।